सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फाइनली आज की वीडियो मैं आप लोगों को Vivo T2 Pro का BGMI रिव्यू देने वाला हूं कि ये फोन कैसा है BGMI जैसे हैवी गेम्स के लिए, क्या इसके अंदर इवेंगल के लास्ट जोन में लैग होता है, क्या इसके अंदर हम लोगों को फ्रेम ड्रॉप नोटिस होंगे। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोगों को बस एक काम करना है, इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले अब इस फोन के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन का जो बेस वेरियंट है 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 24,000। एंड इसका जो दूसरा वेरियंट है 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस है 25,000। और इन दोनों ही वेरियंट में हम लोग को 8GB की वर्चुअल रैम देखने को मिलती है, जिससे हम लोग अपने रैम को एक्सपेंड करके 16GB तक कर सकते हैं। और इस फोन के अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 का 5G गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। और इस फोन की BGMI में ग्राफिक सपोर्ट की बात की जाए तो ये फोन स्मूथ पे एक्सट्रीम, बैलेंस पे अल्ट्रा, HD पे अल्ट्रा, HDR पे भी अल्ट्रा, और अल्ट्रा HDR नॉट अवेलेबल। तो Vivo वाले यहाँ पे इस फोन में एक गेमिंग प्रोसेसर लगा तो दिया है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज करना भूल गए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब इस फोन में गेम खेलोगे तो वहाँ पे आप लोगों को एक TDM मैच में इतने ज्यादा फ्रेम ड्रॉप नोटिस होंगे। TDM के अंदर आप लोगों को इस फोन में 60fps से 50fps तक फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा का fps ड्रॉप नहीं होगा TDM में। और वहीं अगर इवेंगल मैच की बात की जाए तो जब आप लोग वहाँ पे प्लेन से जंप करोगे तभी आपके fps वहाँ पे 60 से सीधे 45fps पे आ जाएंगे, और उसके बाद वापस fps वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे। और फिर जैसे आप लोग एनिमी से फाइट लोगे तो आपका डिवाइस आपको वहाँ पे 45 टू 60fps के बीच में ही fps आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब आप लोग सीधे सीधे बात ये समझो कि आप लोगों को पूरे गेम में फ्रेम ड्रॉप नोटिस होते रहेंगे। और अभी मैं आप लोगों को ये विदाउट रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर आप इसमें रिकॉर्डिंग करते हो तब तो आप लोग पूछो मत कि आप लोगों को इसमें कितनी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप नोटिस होंगे। और अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो इस फोन में आप लोगों को 6.78 इंच की फुल HD+ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, और इसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। और अगर आप लोग इसमें कोई YouTube पे कंटेंट वॉच करते हो या फिर कोई मूवी देखते हो या फिर वेब सीरीज देखते हो तो वहां पे आप लोगों को नो डाउट बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो डिस्प्ले के मामले में इसमें कोई कमी नहीं है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसके साथ ही आप लोगों को इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि फोन के लुक को और ज्यादा ऑसम बना देता है। और इस फोन के साथ हम लोगों को सिंगल स्पीकर मिलते हैं, जो कि ज्यादा लाउड नहीं है। और Vivo वाले जरा ये बताओ कि 25,000 के बजट में सिंगल स्पीकर कौन देता है। बात तो सही है। इस फोन के अंदर हम लोगों को 4600mAh की बैटरी मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 66W का फ्लैश चार्जर मिलता है, जो कि हमारे फोन को 25 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। और इस फोन में बैटरी को काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, जिससे बैटरी कम होने के बाद भी ज्यादा चलेगी। और इसके बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है और दूसरा कैमरा 2MP का। और इसके फ्रंट में आप लोगों को 16MP का पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। और अब आप लोग अगर ये पूछोगे कि ये फोन को स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो आप लोग इस फोन को गेमिंग के लिए भूल के भी परचेस मत करना, क्योंकि इस फोन में TDM में ही फ्रेम ड्रॉप हो गया है, तो ये इवेंगल के लास्ट जोन के फाइट क्या संभालेगा। और अगर आप लोग इसको सिंपल यूजेस के लिए परचेस कर रहे हो या फिर किसी को गिफ्ट कर रहे हो, जैसे अपनी सिस्टर को या फिर अपनी मदर को, तब आप लोग इस फोन को परचेस कर सकते हो, तब ये फोन वहाँ पे काफी ज्यादा बेस्ट निकल के आएगा, क्योंकि इस फोन का लुक भी काफी ज्यादा अच्छा है और इस फोन का डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप लोग ये मेरा बचा हुआ गेम प्ले देख लो।